फ्रेंड्स, नॉनिक कॉक के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन 65। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। वी हैव ऑयल टू डीप फ्राई, देन सम ऑयल विच वी विल बी यूजिंग। दिस इज सोया ऑयल, बोथ दीज आर सोया ऑयल्स, बट यू कैन यूज एनी रिफाइंड ऑयल। 500 grams chicken boneless cut in cubes, 4 teaspoons ginger garlic paste and 2 teaspoons lemon juice, 1 tablespoon maida level, 1 tablespoon corn flour level, 1 tablespoon rice flour level, 1/2 teaspoon turmeric powder, 1/2 teaspoon garam masala, 1/2 teaspoon white pepper and 1 teaspoon dhania powder, 1/2 teaspoon cumin powder, 1 teaspoon kashmiri red chili powder, 1/2 teaspoon salt and 1/4 teaspoon black pepper powder, 1 egg, 1/2 teaspoon cumin seeds, 1 tablespoon ginger chopped, 1 tablespoon garlic chopped, 4 sprigs curry leaves chopped, 1 tablespoon tomato sauce medium, 1 tablespoon chili sauce medium, 1 teaspoon kashmiri red chili powder level, 1 cup water, 2 green chilies slit. Friends, you can add more green chilies if you want it more hot. Then 4 tablespoons curd, which I have whisked with a small whisk, curd or yogurt, same thing, 1/4 teaspoon salt, and to garnish 1/4 cup green coriander chopped. अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, गैस ऑन करते हैं और ऑयल को गर्म होना रखते हैं और इसको थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं। अब हम चिकन लेते हैं और इसमें हम ये सारे मैदा, कॉर्नफ्लावर एंड राइस फ्लावर और ये सारे मसाले भी डाल देते हैं। और इसको हम मिक्स करते हैं। अब इसमें हम ये अंडा भी डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ऑयल गर्म हो गया है और हमने गैस को मीडियम कर दिया, मीडियम से थोड़ा सा लो, और एक एक पीस करके हम चिकन का ऑयल में डालेंगे। और इसको फ्रेंड्स बिल्कुल क्राउड नहीं करना है। इसको हम 3 मिनट्स के लिए कुक करेंगे, फ्राई करेंगे, फिर टर्न करेंगे। 3 मिनट्स और के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। टोटल कुकिंग टाइम इसका 6 मिनट्स होगा और फिर इसको हम निकाल के एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर रखेंगे। 3 मिनट्स हो गए हैं, इनको टर्न कर देते हैं और अनदर 3 मिनट्स के लिए इसको कुक करेंगे। अब दूसरी तरफ भी 3 मिनट्स हो गए और हमने इसको निकाल लिया है और ऐसे ही हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। अब ये सारे हो गए हैं और हमने इनको निकाल दिया है।
और गैस बंद कर देते हैं। अब हम गैस ऑन करते हैं और नॉन स्टिक कढ़ाई गैस को थोड़ा सा आहिस्ता कर देते हैं मीडियम, और ये नॉन स्टिक कढ़ाई है इसको रखते हैं, और इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डालेंगे और इसको हम गर्म होने देंगे। अब ये ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम क्यूमिन सीड्स डाल देते हैं, इनको थोड़ा सा स्प्लटर करते हैं, और इसमें हम जिंजर गार्लिक चॉप डाल देते हैं और इसको स्लाइटली पिंक करेंगे। अब ये हल्का सा पिंक हुआ है, इसमें हम करी लीव्स डाल देते हैं और साथ ही टोमेटो सॉस, चिली सॉस, कश्मीरी मिर्च एंड द वाटर, और इसको हम सॉस लाइक कंसिस्टेंसी बनाएंगे। अब इसकी थोड़ी सी सॉस लाइक कंसिस्टेंसी हो गई है, अब इसमें हम चिकन डाल देते हैं, गैस को तेज कर देते हैं और इसको थोड़ा सा कुक करते हैं, और इसमें हम ग्रीन चिली भी डाल देते हैं और हल्का सा कुक करते हैं। अब इसमें हम कर्ड डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल अच्छी सी ग्रेवी सी बन गई है, गैस बंद कर देते हैं और इसको उतार कर यहाँ पे रख लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इस स्टेज पे आप इसकी सीजनिंग चेक कर लीजिए, सी इट्स वेरी वेल कुक्ड। अब इसको हम डिश में डाल लेते हैं। अब इसको हम ग्रीन कोरिएंडर के साथ गार्निश करेंगे, लेकिन इसको आप स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स चॉप्ड उनके साथ भी कर सकते हैं, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो फिर हम ग्रीन कोरिएंडर चॉप्ड के साथ इसको करते हैं, तो मैं इसको गार्निश कर रही हूँ ग्रीन कोरिएंडर चॉप्ड के साथ। अब ये चिकन 65 तैयार है, अब आप इसको बनाइए और सारी फैमिली एंजॉय कीजिए।